अब तक आपने देखा हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ अनुराग के पास वापस आती है। सृष्टि बैजू के साथ गलत होटल पहुंच जाती है जहां रेड पड़ने पर दोनों को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सरपंच अपना पुराना बदला विद्वान और सृष्टि से ले सके उसी वजह से वो सृष्टि की शादी एक पागल से करवाने का फैसला सुनाता है। जहां बैजू आकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर उसे इस दंड से बचाता है। पूरा परिवार धूमधाम से दोनों की शादी कराता है। सुहाग रात में बैजू सृष्टि को थप्पड़ मारता है। बैजू सृष्टि को ये बात किसी को ना बताने की धमकी देता है। सृष्टि बैजंती को बताने की सोचती है लेकिन बैजंती भी बैजू के साथ मिली होती है। अनुराग रागिनी का होटल में इंतजार कर रहा होता है। जहां रागिनी होटल में पहुंचती तो है लेकिन एक कॉल आता है जिस वजह से वो रूम के बाहर से ही चली जाती है। इधर सृष्टि रूम में आती है और अपने रूम को सुहागरा के लिए सजा दे चौंक जाती है। अब आगे आई। अरे कहां जा रही हो? कहां जा रही हो हमसे दूर? अरे हमसे डर कह रही हो? अरे हमने सुना ऐसे मौके पे ना लड़की शर्माती है तो शर्माओ ना। हैं? अरे हम तुम्हारे पति हैं ना। अब तुमने शादी किए हैं पूरे रीति रिवाज के साथ तो पति धर्म तो निभाएंगे। अब पति धर्म है अपनी बीवी को खुश करना हर तरीके से। करने दो। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा सुनो, तुम जैसा घटिया इंसान हमने नहीं देखा। दूर हो जाओ हमसे, पीछे हटो। कह रहे ना पीछे हटो, पीछे जाओ। दूर रहे काहे दूर रहे आपसे? हम आपके लाइसेंसी हस्बैंड है ना। लाइसेंस है हमारे पास आपसे प्यार करने का और आप पे अत्याचार करने का। दूर जाओ, छोड़। अगर तुम पीछे नहीं गए ना तो हम चिल्ला देंगे। अरे क्या बात कर रही हैं आप? देखिए चिल्लाइएगा मत, सब आ जाएंगे, है कि नहीं? सब आ जाएंगे तो आप क्या बोलिएगा उनको? नहीं बुलाइए, चिल्लाइए बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाइएगा ना सब आ जाएंगे और फिर पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और क्या बताइएगा कि हम आपके पति आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मना कर रही हैं। पीछे हटो, क्या रहे ना पीछे हटो, छोड़ो। ये मैडम जी हमारी तरफ देखें, इतने प्यार से आपको हम देख रहे हैं, जरा हमें भी देखिए आप। हैं? छोड़ो हमें। छोड़ दें, आज छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़े हैं आपको। देखिए बहुत हाथ चला रही है, बहुत हाथ चला रही है ना। चल लिया इसको। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहे, समझी? अब ठीक है, है? बहुत हाथ चल रहा था आपका, अब हो गया मरम्मत। प्लीज, प्लीज कुछ मत करना, प्लीज। अब कैसा नहीं करे बताइए हमको, आपके करीब कैसे नहीं आए? स्टॉप, स्टॉप। मैडम जी आप हमारे और हमारी अम्मा की आंखों में खौफ देख रहना चाहती थी ना? आपको दिखा कि नहीं दिखा हमको नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में हमें खौफ दिख गया। अटेंशन मत लीजिए, हम तो बस आपको परेशान कर रहे थे। नहीं अगर हम चाहे तो आपकी अकड़ निकाल सकते हैं एक ही सेकंड में, लेकिन नहीं, आपको सताने में जो मजा है ना वो आपको सजा देने में नहीं है। हम तो बस खाली आपको आपकी औकात दिखा रहे थे, समझी मैडम जी? याद रखिएगा मैडम जी, समझी? एक ही चीटी थी जो हाथी के सूंड में घुस के ना हाथी को परेशान करती थी, लेकिन एक ही चीटी। अब बाकी सबको तो हाथी ना मसल देता है अपने पांव तले, तो हमारे सामने सियानी मत बनिएगा। काहे सियानी चीटी बनिएगा ना तो आपको सिर्फ हम मसलेंगे नहीं बल्कि गायब कर देंगे। और हमारी अम्मा से दोबारा कभी ऐसे आग उठा के बात की
वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना जो ट्रेलर दिखाए हैं आपको, उसका पूरा पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, आपको वो भी नाइट शो, समझी? ऐसे किए और ऐसे बेल्ट पहन ली, समझी? कहे नहीं समझिएगा, पढ़े लिखी हैं, वकील हैं, असमझदार हैं, अच्छा है आपके लिए। चलते हैं, गुड नाइट। मिस्टर जी, ना तेरी, लेकिन मिस्टर जी। ओह यस, मिस्टर जी, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपके स्पेशल मिस्टर जी के हाथ का बनाया स्पेशल ब्रेकफास्ट। क्या लेंगे आप, चाय, टोस्ट या फिर कुछ फ्रूट्स? ये उड़ी उड़ी रंगत, ये बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी सुबह कह रही है, बीती रात का फसाना। मिस्टर जी, भूख लगा है। भूख लगा है मुझे भी, तो करे अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। हाँ, वो अप्लाई है ना टोस्ट? हाँ जरूर। हम नहीं डालेंगे, तुम डालो, तुम डालो। है का? अरे अम्मा, सो का आ रही मैडम जी। अब मैडम जी तो जाग रहे हैं, और ऐसे भी कल रात को जो हमको ज्ञान दिया ना पाठशाला में बैठा के, उसके बाद तो मैडम की ना जो है ना नींद ही उड़ गई। अब बताओ अम्मा को क्या सिखाएं तुमको हम कल रात को? आप हमारे और हमारी अम्मा की आंखों में खौफ देख लेना चाहती थी ना? आपको दिखा कि नहीं दिखा हमको नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में हमें खौफ दिख गया। अटेंशन मत लीजिए, हम तो बस आपको परेशान कर रहे थे। नहीं, अगर हम चाहे तो आपकी अकड़ निकाल सकते हैं एक ही सेकंड में, लेकिन नहीं, आपको सताने में जो मजा है ना, वो आपको सजा देने में नहीं है। अरे कुछ कह रहे आपसे समझ में नहीं आता, कुछ सिखाना पड़ेगा फिर से लगता है। उठो, बताओ अम्मा को, बताओ अम्मा को कल का सिखाए हैं, बताओ क्या ज्ञान दिए हैं, बताओ। कलम सिखाए ना तुमको? ओ तो भूल ही गए थे कि हम बांध के रखे हैं, लो खोल दिया। चलो अब बताओ, बताओ, अब जाओ ना। जी तेरा दिए तुम, है?
अब बहुत अच्छे। देखा अम्मा आपने, हैं? अब बड़ी जल्दी सीख जाती है मैडम। पढ़ी लिखी जो है ना वकील है, समझदार है, काहे नहीं सीखी। मैडम जी एक और चीज सिखाएं आपको, ऊपर वाला जो भगवान है ना वो बंसी वाला, वो 3 गलती माफ करता है। अब पहला गलती आप कर चुकी हैं हमको थप्पड़ मार के, और दूसरा गलती की हो अम्मा का अपमान करके, बदतमीजी करके, और तीसरा गलती अगर आप करिएगा ना तो बहुत बुरा होगा। आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको खुद को शर्म आएगा कि आप काहे जिंदा हैं। चलते। अच्छा तुम सोच रही होगी ना कि भगवान तीसरा गलती तो माफ कर देता है, लेकिन हम तीसरा गलती माफ काहे नहीं कर रहे। तो भगवान माफ करता है, अब बैजू नहीं। अब बैजू तीसरा गलती होने पे ना ऐसा व्यवहार करता है कि खुद आपको हम भगवान के पास भेज देंगे माफी मांगने के लिए। आई बात समझ में? समझ जाइएगा, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। अम्मा चले, खड़ी का साबुन दोगे नहाने के लिए, चलो। हाँ हाँ, अब वो चाय ना पिलाएगी? हाँ चाय भी बना देगी। हाँ पंडित जी बताइए। हवन सामग्री? हाँ वो हो गया, लिख दिया। आम की लकड़ी? अच्छा। शुद्ध देशी घी में बनी मिठाइयाँ? अच्छा ठीक। 5 फल? 5 प्रकार के फल लिख लिया। पान के पत्ते? पान का पत्ता। लौंग इलायची? रवा प्रसाद, प्रसाद हाँ। केले का खंभा? हाँ भगवान के लिए बस। और आम के पत्ते? वो लिख दिया। अरे दुलारी दीदी क्या कर रही है, अभी गिरा देती है, बैठिए आराम से, संभाल के काम कीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए। कपूर, अगरबत्ती? हाँ वो सब तो लिख लिए पहले। हाँ अरे दिव्या दीदी आप लोग से काम होता नहीं, आप लोग काम ले लेते हैं हाथ में, काम है आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग को ये सब पूछने का जो काम है आप हमको छोड़ दीजिए, समझे ना? इसमें धूल मिट्टी होता है, इससे खांसी आ जाता है, छोड़ दी हम कर लेंगे, सबसे खांसी बहुत गंदा है, हम वहां लेके जाएगा, हम कर देंगे। अरे बाजू लाओ लिस्ट हमको दो, बाजू बेटा लाओ लिस्ट हम बना देते हैं। अरे नहीं रहने दिए बाबूजी, अब ऐसा है कि हम है ना हम संभाल लेंगे। अरे बेटा अकेले कितना काम करोगे तुम? अरे हमारे रहते आप आराम कीजिए, ठीक है, काम सिर्फ हम करेंगे, हम सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इधर इसको रखते हैं जी, मैडम जी ये आप। कलश मिट्टी का, हवन कुंड। माँ एक मिनट आपसे बात करनी। कहाँ आप बेटा? एक हम आते हैं, यहीं बात कर लो। काफी पर्याप्त है सामग्री। और जो फल मिठाई आपको लानी हो। कहाँ हुआ बिटिया, क्या बात है? माँ ये सब क्या है? अरे मैडम जी आपको पता नहीं है, अरे हम दोनों के शादी में आगे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अम्मा जी ने आज घर पे सत्यनारायण जी का पूजा रखा। हाँ बिटिया हम चाहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का जो पूजा है ना वो तुम चारों बच्चे जो है मिलकर करो। अब मैडम जी सबके लिए चाय बना दीजिए। अरे मैडम जी आपके क्या हुआ? हाथ में जो चोट लगा था ठीक नहीं हुआ अभी तक, बहुत दर्द कर रहा हूँ ना है? कहा है ना कि कल रात को मैडम जी से बिस्तर में बैठने गए ना तो उनका हाथ ऐसे मुड़ गया था। हम कोई बात नहीं, रात को लगा दिए मरहम बाम लगा दिए, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। अब मैडम जी आपको आराम करना पड़ेगा, अभी आप आराम करो, ठीक है? बाकी का काम हम संभाल लेंगे, ठीक है? आप जाके आराम कीजिए, है ना? है तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे। चलिए चलिए हम आपको बाम लगा देते हैं, आई आई चलिए। अरे बैजू का तुम ये बाम हम लगाए दिए, देसी इलाज करेंगे, गरम गरम कपड़े से सेक करेंगे तो बहू का हाथ ठीक हो जाएगा। आ चलो बहू हम तुम्हारा हाथ सही करते हैं, हम ठीक हैं। अरे मैडम जी को आराम की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है कि नहीं मैडम जी? चलिए हम ठीक हैं, तुम जाओ, आराम कीजिए, तुम जाओ बहू, जाओ। मां जी भी कह रही हैं चलिए आइए। अब बहन जी जी
हमको ना आपसे एक बात करना है। हम सोच रहे थे कि इस सत्यनारायण भगवान का जो पूजा हो रहा है, कुछ मेहमानों को हम बुलवा ले, कहे कि इन दोनों का शादी इतना जल्दबाजी में हुआ है कि हम किसी को बुला नहीं पाए। तो आपको भी अगर किसी को बुलाना है ना तो आप बुलवा लीजिए। हैं अब हम सोच रहे हैं हम अपनी सहेलियों को बुला लेंगे। हाँ चलिए हम आपको बताते हैं। वो कहे ना हमारे संग दुलरिया, वो लिस्ट हमको दे, हम सबको फोन करके बुलाते हैं। आदर दे बड़का पुत्र। जरा सा हाथ लगाने में ना ये तुम्हारे चेहरे पे जो दर्द आ जाता है ना, ये देख के हमको बड़ा मजा आता है। लेकिन कहा है कि जो तुम्हारा डरा डरा ये सहमा सहमा चेहरा ना, और तुम्हारी पुरानी सास और तुम्हारे नए बाबूजी देख ले तो कहा होगा, अब बेचारे दुख के मारे शर्म के मारे जहर खा के जान दे देंगे, है कि नहीं? और अगर तुम पी चाहती हो ना मैडम जी, तो चलो अब खुलेआम तमाशा करते हैं। अच्छा और तमाशा करते हैं। तुम्हारा झगड़ा हमसे है, हमारे परिवार वालों को इन सब चीजों से दूर रखो। हाँ तो अगर ये बात है ना तो अपने चेहरे पे ये जो क्या कहते हैं दोपहर का जो 12 बजे है ना, ये मत बचाओ। इसके बदले में ना सवेरे सवेरे 10:10 वाला जो है ना वो बचाई ही मुस्कुरा मुस्कुरा हमारे लिए मुस्कुरा अका मुस्कुराती हो तुम, अब बहुत बढ़िया, अब बहुत अच्छा। चलो जाओ यहाँ से। है पुआ, अब सूजी भूज दिया हम प्रसादी के लिए, नाश्ता में बना दिए हैं पूरी आलू के भुजिया, है बहुत अच्छा। पूजा का सामग्री रहा। हाँ बहुत अच्छा। तुम बैठो हम देखते। आज देखो तो नहीं कौन आया। गुड मॉर्निंग। काहे दांत चिया रहे हैं आप, क्या हो गया? हम काहे हंस रहे हैं, उतर छोड़ो, पहले ही बताओ कि तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? और तुम लोग तो वहाँ सूट में ना रहने गए थे। सूट? सूट तो मैं पहनता हूँ, लेकिन मैं सूट थोड़ी ना पहन के गया था, मैं तो शर्ट पहन के गया था। अरे ये सूट नहीं, बड़का बड़का होटल में नहीं होता एकदम महल जैसा जिसमें खूब सारा शान शौकत होता है, वो सूट का हम बात कर रहे हैं। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, आप होटल स्वीट की बात कर रही हैं। चलो स्वीट। बाकी अनुराग बाबू का हमको जो मजा हिंदी में आता है ना, वो अंग्रेजी में नहीं आता है। मुझे भी। बड़की बाबू जी को ना देखो कितना शोभ रही, कैसे गुलाब जैसा चेहरा खिल गया। अच्छा गुलाब के फूल जैसी लग रही है, देखिए तो जरा। अरे हाँ अनुराग बाबू, हमको बड़ा अंग्रेजी झाड़ रहा है, आपको इतना नहीं पता है कि लिपस्टिक होठ पर लगाते हैं गर्दन पर नहीं। गर्दन पर कौन लिपस्टिक लगाता है रागनी फौजी? सासू मैया यहाँ फैशन है, लड़कियाँ लड़कों की चीजें यूज कर सकती है तो हम क्यों नहीं, आओ ना। अच्छा लिप्स पे नहीं लगा सकता तो गर्दन पे लगा दी, क्या हो गया? पूजा है का घर में? होगा अंग्रेजी में। हाँ बहुरानी, वो हम सत्यनारायण भगवान का नाम पूजा रखवाए हैं। हम चाहते कि तुम चारों बच्चों जो है वो पूजा मिल कर करवाए। सुबह से ना बैजू जो है तैयारी में लगा है, बाकी काम जो पर्चा बना रहे थे। अनुराग बेटा बाकी का सामान ना तुम ले आओ। है उदयपुर में हमने ही दोनों को दूर करने का प्लान बनाया था। रागिनी ये लिस्ट मां से ले लेना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। बेटा अब हम इतने पराए हो गए हैं कि तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करोगे। रागिनी से कह दो कि जो माँ अपने बेटे और बहू को अलग करने के लिए टेढ़ी चाल चल सकती है, उनसे सीधी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। सासू मैया, बड़की बाजी, तुम अनुराग बबुआ के पास जाओ, हम बुआ को देखते हैं।
बुआ सब ठीक हो जाएगा बुआ, दुलारिया जाकर बाकी का सामान ले आओ, हम ले आएंगे, तुम बैठो पहले। मिस्टर जी, हमें ऐसा लगता है कि आपको सासू मैया से ना गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमसे तो ठीक से बात कर रहा हूँ ना रागिनी। आप हमसे गुस्सा कर लीजिए, सारा गुस्सा हम पे निकाल दीजिए, लेकिन वो आपकी माँ है ना, और इस बात को कोनो झुटला नहीं सकता कि वो आपसे ना बहुत प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है? हाँ। कुछ प्यार नहीं करती, और उनके बारे में मुझसे कुछ बात ही मत करो, मुझे उनके बारे में कुछ बात ही नहीं करनी रागिनी, प्लीज।